हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पवित्र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखंतु आज जॉब्स अपडेट रे आमे देखने वा तो देखंतु ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स कटक तरफ आपणकर शॉर्ट नोटिफिकेशनटा आसी जहाँकि ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट पई या नोटिफिकेशनटा आछि। तो देखंतु आपणकर 10 December 2021 तारीख में आपणकर शॉर्ट नोटिफिकेशनटा रिलीज हो जाए। तो डिटेल्स इनफॉर्मेशन जाने आम ए वीडियो माध्यम रे। तो फ्रेंड्स वीडियो टी को संपूर्ण रूपे देखिए। जदि आप चैनल रे प्रथम थर पर विजिट करछंती देन चैनल को एबे ही एबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे जा फल रे आपन को ए भला जॉब्स रो अपडेट सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन पाई परबे। तो फ्रेंड चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करबा। तो देखंतु आपन को नोटिफिकेशन आसी देखि परथिबे रिक्रूटमेंट एटी सीरियल नंबर दिया छि एटी नेम ऑफ द पोस्ट दिया छि तहत स्टेट वाइज वैकेंसी पोजीशन सब एटी डिटेल्स रही। तो देखंतु आपन को नेम ऑफ द पोस्ट रही सीरियल नंबर रही गोटे नेम ऑफ द पोस्ट देखंतु असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रही जहाँकि कम्युनिकेशन रही एसी देखंतु 24 वैकेंसी रही एसटी 39 एसीबीसी कौन सी वैकेंसी रही यूआर 81 वैकेंसी रही टोटल देखंतु आपणकर 144 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रही एक्स सर्विसमैन पे आपणकर 4टी वैकेंसी रही स्पोर्ट्स पर्सन पे आपणकर गोटे वैकेंसी रही टोटल मिसेकि आपणकर 144 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी रही। तो देखंतु आपणकर www.odishapolice.gov.in यही वेबसाइट रे लॉगिन करके मध्य आपण अधिका इनफॉर्मेशन पाई पारबे। देखंतु आपणकर आप्लिकेसन रो स्टार्ट डेट देखंतु 13 December 2021 रहुची जहाँकि 9टा समय पाखापाखि आपणकर आप्लिकेसन आवेदन आरंभ हो। तो देखंतु आपणकर लास्ट डेट रहबो 2 January 2022 रहुची आपणकर आप्लिकेसन रो लास्ट डेट। तो देखंतु आपणकर फेब्रुवारी मंथ रे आपणकर 2022 रे आपणकर CBT एग्जाम रहुची। तो फ्रेंड्स आपण मानकु निश्चित भाव जन दि जाए यह चैनल मध्यम ता सहित आपणकर निहाती भाव आपण वेबसाइट मध्य विजिट करूँ जहाँकि odishapolice.gov.in यही वेबसाइट मध्य विजिट करके आपण अधिका इनफॉर्मेशन पाई पारे जहाँकि आपणकर रिक्वायरमेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जहाँकि कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट रोचे डिटेल्स आपण को यही चैनल माध्यम रे आपन को अपडेट कराव। तो फ्रेंड चैनल सहित जोड़ी है नियत भाव रुहतु। देखंतु आपण को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल रही तो देखि परथिबे आपण को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपण को मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc रही जदि आप BSc पास करिसेंति देन आपण आवेदन कर पारिबे और रही देखंतु BTech रे जदि आप कंप्यूटर साइंस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ता सहित आपणकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ता सहित आपणकर इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ता सहित आपणकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड सब्जेक्ट और देखंतु बैचलर इन कंप्यूटर साइंस जहाँकि BCA फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन और अलाइड सब्जेक्ट फॉर्म ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फॉर अपॉइंटमेंट आज ASI ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन ऑन इनिशियली अपॉइंटमेंट बेसिस ए सब सब्जेक्ट नहीं कि जदि आप BSc और BTech करिसेंति देन आप निहत भाव आपण आवेदन करेंगे। तो देखते आप BSc नहीं कि जदि आप फिजिक्स मैथमेटिक्स करिसेंति तो आप
নিহতি ভাবে আবেদন করে দিন্তু নচে আপনার বিটেক নিয়ে এই সবজেক্ট ভিতরে যেকোন সবজেক্ট করছেন তাহলে আপনার এখন আবেদন করে পে। তো ফ্রেন্ডস আপনার ডিটেলস জাঁনে আপনার এজুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন। তো ফ্রেন্ডস আপনার এলাকা আপনার শর্ট নোটিস, আপনার ফুল নোটিস আপনার খুব শীঘ্র আপনার আমি অপডেট করে নেবু। তা সত্ত্বেও আপনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে নিয়ন্তু। আই হোপ আপনার ডিটেলস ইনফরমেশন পাইপারিথিবে। তো আপনার ওয়েট করতু, ফুল নোটিফিকেশন আসবা যায় আপনার ওয়েট করতু, দেন আপনার আবেদন করবে। আপনার দেখিপারে এতকি ডেট ভিতরে আপনার আবেদন প্রক্রিয়া জারি রহব, যা কি দেখিপারে ফ্রেন্ডস 13 ডিসেম্বর 2021 9টা সময় পাখাপাখি আপনার আবেদন করা স্টার্ট হব, যা কি লাস্ট ডেট রহব দেখন্তু 2 জানুয়ারি 2022 রহব আপনার আপ্লিকেশনর লাস্ট ডেট। তো ফ্রেন্ডস এসব ডিটেলস রয়েছে ফ্রেন্ডস আপনার শর্ট নোটিফিকেশন, ফুল নোটিফিকেশন আসবা যায় আপনার ওয়েট করতু, দেন আপনার আবেদন করবে 13 ডিসেম্বর 2021। আই হোপ আপনার